जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुर ना पिया। मैं सबसे ज़्यादा लता जी के गानों से मोटिवेट होती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुरीला गाया है। अब जर्नी इतनी लंबी हो चुकी है कि अब मैं अपने सॉन्ग्स खुद लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ। तू की जाने प्यार के नाम मैं कर दिया एक हो गल मैं तेनू दसना चौनिया वे तू तुर गया ते मैं अज भी उथे बैठी हाँ तू तुर गया ते मैं अज भी उथे बैठी हाँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂਥ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੈਸੇ? हेलो, आई एम श्रेया शर्मा, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर फ्रॉम लुधियाना। एंड मैंने यहाँ पे आज परफॉर्म किया स्पीकर्स माइंड यूथ कंक्लेव जो कि इनिशिएटर्स ऑफ चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही अच्छा इवेंट है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके। तो इवेंट की तो चलो बात हुई, आपने वैसे सिंगिंग कब से स्टार्ट की थी एंड टेल मी अबाउट योर ट्रैक्स एंड ऑल। जी, मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी जब मैं 13 ईयर्स ओल्ड थी एंड 13 ईयर्स की एज पे स्टार्ट किया था स्कूल में। एंड अब जर्नी इतनी लंबी हो चुकी है कि अब मैं अपने सॉन्ग्स खुद लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ। एंड लास्ट ईयर मैंने अपना खुद का ओरिजिनल ट्रैक तुरगया रिलीज़ किया था, पंजाबी ट्रैक है ये। यूट्यूब चैनल पे आप इसे सुन सकते हैं, श्रेया शर्मा तुरगया। तो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को भी एक दो लाइन सुना दो प्लीज़ अपने ट्रैक। जी बिल्कुल। तू की जाने प्यार के नाम मैं कर दिया एक हो गल मैं तेनू दसना चौनिया वे तू तुर गया ते मैं अज भी उथे बैठी हाँ तू तुर गया ते मैं अज भी उथे बैठी हाँ। तो मैम, ये तो आपका खुद का ट्रैक था, और कोई ट्रैक जो आपने कवर किसी का किया हो या कुछ ऐसा मतलब आपने खुद अपने वॉइस में गाया हो? जी, वैसे मैं सभी बॉलीवुड और पंजाबी गाती हूँ, तो ये एक फोक सॉन्ग है सुरिंदर कौर जी का जो मैं सुनाना चाहती हूँ। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुर ना पिया हाय रब्बा वे सानू तुर ना पिया जिन्ना रहा दी मैं सार ना जाना उनी राही वे मैनू मुड़ ना पिया गाना सुन के तो हमारी ऑडियंस जो है ना पुराने टाइम में चली जाएगी। मैम, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अब के गानों में उतना ना देख मतलब ज़्यादातर पुराने गाने लोग अभी भी पसंद करते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, पुराने वाले 90s वाले के अभी वाले भी अच्छे लगते हैं? मुझे सभी तरह के, पर ज़्यादा मैं गाती हूँ पुराने, लता जी के, आशा जी के, सुरिंदर कौर जी के, और अब वाले टाइम में अरिजीत, श्रेया घोषाल। बेसिकली एक रोमांटिक मेरा जॉनर है जो मैं ज़्यादा गाती हूँ। एक इंस्पिरेशन होती है लाइफ में ना, किसी चीज़ में भी आगे जाना हो ना, हर बंदे को एक इंस्पिरेशन चाहिए हो चाहिए, आपका कौन था, आप किससे मोटिवेट होते हो? मैं सबसे ज़्यादा लता जी के गानों से मोटिवेट होती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुरीला गाया है। हम उनके मतलब क्लोज भी नहीं जा सकते लेकिन हम उनके गानों से बहुत सीख सकते हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा उनके गानों से और आशा जी के गानों से सीखा है और वही मेरी इंस्पिरेशन है। एक और क्वेश्चन, जो आपके मतलब अगर हम देखें किसी भी चीज़ में हमने स्टेप करना हो तो हमें फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, राइट? फैमिली की सपोर्ट के बिना हम ऐसी लाइन में नहीं आ सकते, सिंगिंग लाइन में भी बहुत स्ट्रगल है, आगे भी बहुत स्ट्रगल है। आपको फैमिली की सपोर्ट कैसे मिली, आपको मतलब प्रॉपर सपोर्ट मिली तभी आप इस लाइन में? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं शुरू से ही, जब उन्हें टीचर्स ने बोला कि बहुत अच्छा गाती है। एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक लाइन में नहीं है, तो आई एम द फर्स्ट वन, और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। उनको खुशी हुई कि चलो ये कुछ कर रही है, एंड अभी जहाँ भी मैं एडमिशन लेना चाहती थी, जाना चाहती थी, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, बहुत सपोर्ट किया। सिंगिंग लाइन में तो आप 13 ईयर्स की एज से हो, साइड बाय साइड आप क्या कर रहे हो? क्योंकि अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स मतलब पेरेंट्स भी इसी चीज़ पर हो जाते हैं कि अगर इस लाइन में आ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, आप क्या कंटिन्यू कर रहे हो उसके साथ? जी, मैं म्यूज़िक में ही कर रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी।
और मेरी ग्रेजुएशन भी म्यूज़िक में ही हुई है, म्यूज़िक ऑनर्स में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स से। तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि एक ना फ्रेंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, राइट? फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो मोटिवेट कर दे तो बंदा कुछ भी कर सकता है। पेरेंट्स से पहले हम फ्रेंड्स की ज़्यादातर सुनते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके कारण आप अपनी लाइफ में आगे करियर आपने इसमें बनाया? जी बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं पुराने, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हर इवेंट पे वो आते भी हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा लगता होगा आप परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे एंड राइट आपके फ्रेंड्स सामने बैठे हैं, आपकी फैमिली सामने बैठी है, कुछ खुद को प्राउड फील होता होगा कि हाँ मेरे कारण ये लोग यहाँ पे आज हैं? जी बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है और साथ में थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना गा दूँ या कुछ ऐसा, ताकि बस, बट लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। आफ्टर सो मैनी परफॉर्मेंसेज, अब स्टेज फेयर जो है वो तो आपका एकदम से निकल गया होगा, राइट? स्टेज फेयर या ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ स्टेज के ऊपर कि उसके बाद आप थोड़े से डीमोटिवेट हो गए हो? नहीं, अब तक जहाँ भी परफॉर्म किया अच्छा रहा है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एंड मतलब सब जगह बहुत अच्छा रहा है। सो मच। तो बहुत ही अच्छी जड़ी है, उन्होंने अपनी पिछे थोड़ा जाके अपने गाणियां बारे दस्या, उन्होंने केड़े गाने पसंद ने ते किद्दां दे गाने वो ज़्यादातर गाते ने या फैमिली सपोर्ट किद्दां दी मिलती है, ते होर वीडियोज़ तुहानू दिखाते रहांगे होर वधेरी अपडेट्स लई, तुसीं देखते रहो लुधियाना टाइम्स।